ग्वालियर थाना पुलिस में अभिरक्षा के दौरान सेमरा गोपाल मन के 19 वर्षीय युवा कृतेश पटेल की फांसी लगाकर संदेहास्पद मौत हो गई थी, जिसकी जुडिशियल जांच के निर्देश कल ही हो चुके थे। सागर पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने जेसी नगर थाना प्रभारी राकेश शर्मा सहित दो अन्य पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया था, लेकिन सुबह से ही मृतक के परिजन एवं ग्रामवासी सेमरा गोपाल मन ग्राम में चक्का जाम लगाकर बैठ गए एवं जेसी नगर में गेहूरास तिराहे पर पटेल समाज के लोगों ने चक्का जाम किया। एसआई शशिकांत गुज्जर से भी हुई चक्का जाम लगाए लोगों की बहसबाजी। मृतिका की मां लीला पटेल ने पुलिस प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। एक पुराने मामले को लेकर जेसी नगर थाना के एएसआई अभिषेक पटेल पर जबरन 34 चू लगाने एक पुराने मामले को लेकर जेसी नगर थाना के एएसआई अभिषेक पटेल पर जबरन 34 दो लगाने के भी लगाए आरोप। जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत घटना को लेकर इतने संवेदनशील थे कि पपक कर रो पड़े और दो बार सेमरा गोपाल मन गांव पहुंचे। सागर में हुए मृतक के पीएम की मजिस्ट्रेट के सामने हुई वीडियोग्राफी। पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर एवं भारतीय जनता पार्टी के निष्कासित नेता राजकुमार धनोरा भी पहुंचे सेमरा गोपाल मन। नगर प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी कलेक्टर को लगाया फोन और पूरे मामले की जानकारी ली। बड़ी संख्या में पटेल समाज के लोग पहुंचे सेमरा गोपाल मन। पुलिस प्रशासन का भारी भरकम पुलिस बल रहा मौजूद। सागर कलेक्टर दीपक आर्य एवं सागर पुलिस अधीक्षक तरुण नायक मौके पर पहुंचे। कई दफा उन्होंने बातचीत की लेकिन उनकी बातचीत सफल नहीं हो पा रही थी। शाम को थोड़ा पुलिस बल का सहारा लेकर चक्का जाम को समाप्त किया गया और यातायात बहाल हुआ एवं मृतक की अंत्येष्टि हो पाई। पूरे मामले को लेकर सागर कलेक्टर दीपक आर्य एवं सागर पुलिस अधीक्षक तरुण नायक का कहना था कि मृतक के परिजन के साथ इंसाफ होगा। मृतक के परिजन ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई थी, जिसमें भमोरी घाट के युवक नीरज ठाकुर द्वारा मृतक के पिता को धमकी दी जा रही। उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। न्यायिक जांच के आदेश हो चुके हैं। पूरे मामले की न्यायिक जांच होगी और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे और जो भी आरोपी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मृतक युवक के परिजन को राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पहुंचाई 2 लाख की आर्थिक सहायता राशि। पूरे मामले की होगी निष्पक्ष जांच। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ित परिवार के साथ हर परिस्थिति में खड़े हैं हम। जेसी नगर थाने में युवक कृतेश पटेल पिता राजू पटेल निवासी सेमरा गोपाल मन द्वारा आत्महत्या करने के मामले में मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने परिजनों को सांत्वना देते हुए राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा 2 लाख की आर्थिक सहायता राशि मृतक के परिजनों को दी गई तथा भरोसा दिलाया कि मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा इस पूरे मामले में कर्मचारी अधिकारी होंगे उन पर नियम अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री राजपूत ने कहा कि मामला संज्ञान में आते ही थाने की टीआई सहित अन्य पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों का दल बनाया गया है। साथ ही पूरे मामले में मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही इस मामले में नहीं होगी। सेमरा गोपाल मन में पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने परिजनों को आश्वस्त किया। इसके यहाँ शाम का भोजन पड़ोसी देता है। हमारा तो वो परिवार है। मैं जब आ रहा था तो गोविंद राजपूत ने 2 लाख रुपए दिए, राजू पटेल को दे देना और कहना दोस्त तुम्हारे साथ शांति से हम लोग पैसा ले रहे हैं, पैसे में सब हो रहा हो। पैसा जाने अपन भी दे पैसा दे कनक।
शांत रहो, कटो फोन दे, कटो बेस्ट है। राजनीति दलों के हैं, अन्य समाज के हैं, पर सारी की सारी क्षेत्र की संपत्ति आज आपके साथ, बेटा आपका गया। अब हमने वही बात कही एसपी साहिबा जी भी दो महीना में एसपी बन गए, डायरेक्ट हैं जी आईपीएस। तो इनका कहना है कि इनका बेटा माने हमारा। हमने कहा कि मैडम इन लोगों पे आप 302 लगाई, तो उसमें कैसी बात हुई सबके सामने कि 302 लगाइए। मैडम ने कहा हम 302 लगा देंगे, 306 लगा देंगे, पर चूंकि अब जज के हाथ में लगाम आ गई तो जज हमें लिखेगा जांच के बाद हम 302 लगा। और ऐसा होता है, महीना भर बाद कायमी हो जाती, 2 महीना बाद कायमी होती है, कई घटनाओं में तो 6-6 महीना बाद कायमी हो जाती। जो जज लिख देगा पुलिस को वो 100% काम करना पड़ेगा, ऐसा कानून कहता है। तो अब हमारा कहना यह है कि चूंकि हमारा बेटा वहाँ रखा हुआ है, 24 घंटे से ज्यादा बीत गए, 3 डॉक्टर द्वारा पैनल यदि लड़की वाले नाश्ता करवाए तो का मतलब समझो आप बताओ, बोल फोसे लड़की वाले पुलिस से कि आपने अच्छा किया तो आप हमारी तरफ से नाश्ता करो। सबसे पहले तो लड़की वालों पर पुलिस वालों पर 302 का केस होगा, आज रजिस्टर्ड करो, जेल भेजो, तब तो हम अपने लड़के को पीएम करवाए। और यदि हम पे किसी प्रकार का दबाव बना हुआ तो लड़का से पहले आज हम खुद चले। को बना दबाव? कोई नहीं बना के बने दबाव, इच्छा है बता हो दबाव। हम से कहीं जा रहे थाने में, लड़की के भैया कह रहे हम तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलवाए, तो हमने कौन सी गलती कर दी? कोई माँ बाप अपने बच्चों से किए तो कहीं ऐसा कर लो, और कौन सी बात माँ बाप बताई अपने बच्चों को पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं कि चलो। इतनी आड़ी इतनी गंदी गाली काट के फेंक दे, मार के फेंक दे, मोड़ियों को मार दे। आप सुनो तो आपको करे जो भी किए कि जब बात ऐसी में जो स्टाफ मौजूद था और लड़की पक्ष के लोगों पर भी 0 पे कायमी 300 की हो तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे, और नहीं तो हमारे इस मामले को रफा दफा करने के लिए मैं तो सीधा आरोप लगाता हूँ, हीरा सिंह राजपूत जो है वो गद्दारी पर है, उसकी गद्दारी के साथ हम जो है पूरी लड़ाई लड़ेंगे, और तब तक ऐसा नहीं होता है हम लोग हटेंगे हटेंगे नहीं। मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग ध्यान रखिए जी, बताइए आप थोड़ा तेज बोलना सर। जो भी देखो जो भी पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के मामले होते हैं जी, पुलिस कस्टडी में जो मौत के मामले होते हैं उसमें पुलिस को अनुसंधान की पावर नहीं होती, क्योंकि कोई खुद के मामले में अनुसंधान नहीं कर सकता, ठीक है ना। किसको पावर होते हैं आप लोग बताइए, नहीं तो कायमी इसमें पावर सिर्फ और सिर्फ किसको होते हैं, जुडिशरी को होते हैं, जुडिशरी माने न्यायपालिका, न्यायाधीश महोदय को इसमें पावर होते हैं जांच करने के और कार्रवाई करने के।